लोकसभा चुनाव के नतीजे आते ही नए रिकॉर्ड सामने आए हैं। वहीं एक रिकॉर्ड ये भी सामने आया है जिसमें लोकसभा चुनाव में सबसे कम उम्र की सांसद बनने का रिकॉर्ड चंद्राणी मुर्मू ने बनाया है। चंद्राणी ओडिशा के क्योंझर लोकसभा सीट से बीजू जनता दल की उम्मीदवार थी। चंद्राणी मुर्मू ने 67,822 मतों के अंतर से भारतीय जनता पार्टी के 2 बार से सांसद रह चुके अनंत नायक को मात दी है। ओडिशा में कुल 21 संसदीय सीट है जिनमें से 7 महिला सांसद चुनी गई है। ये संख्या राज्य में कुल सांसदों का 33% है। ओडिशा संसद में 33% महिला सांसदों की हिस्सेदारी वाला पहला राज्य है। चंद्राणी के पहले इंडियन नेशनल लोकदल के दुष्यंत चौटाला 16वीं लोकसभा में सबसे कम उम्र के सांसद बने थे। दुष्यंत 26 साल की उम्र में 2014 में हिसार लोकसभा सीट से चुने गए थे। 25 वर्षीय चंद्राणी 2017 में भुवनेश्वर स्थित SOE विश्वविद्यालय से बीटेक की पढ़ाई पूरी कर चुकी हैं। आम लोगों की तरह चंद्राणी भी अपने लिए नौकरी खोज रही थी। इसके अलावा नौकरी के लिए चंद्राणी प्रतियोगिता परीक्षा भी दे चुकी हैं। आइए जानते हैं कैसे वो नौकरी की खोज करते हुए सबसे कम उम्र की सांसद बन गई हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक क्योंझर सीट से अपनी पार्टी बीजत के लिए उम्मीदवार की तलाश कर रहे थे। पटनायक की खोज चंद्राणी पर आकर रुक गई और उन्होंने चंद्राणी मुर्मू को लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिया। अपने सांसद बनने पर चंद्राणी का कहना है, मैं अपना ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद नौकरी ढूंढ रही थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं राजनीति करूंगी और सांसद बनूंगी। मेरा नामांकन अप्रत्याशित था। चंद्राणी कहती हैं कि उनका फोकस युवाओं के लिए रोजगार को मौके पैदा करना होगा। बता दें कि चंद्राणी के नाना हरिहर सोरेन 1980 से 1990 तक 2 बार कांग्रेस के सांसद रह चुके हैं। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.